नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र प्रसाद और आप मेरे चैनल राज फोटोटेक को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग हाई पास शार्पनिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हर एक डिजिटल इमेज को शार्प करना जरूरी होता है, क्योंकि डिजिटल कैमरा के सेंसर के ऊपर एंटी एलाइजिंग फिल्टर लगा रहता है जो इमेज को धुंधला बना देता है, ताकि इमेज में मूडी पैटर्न्स न दिखाई दे। इस ब्लरिंग को कम करने के लिए डिजिटल इमेज को शार्प करने की ज़रूरत होती है। फोटोशॉप में शार्पनिंग के लिए एक अलग ही फिल्टर सेट है, जिनमें स्मार्ट शार्पन और अनशार्प मास्क फिल्टर को अक्सर ही यूज़ किया जाता है। लेकिन इमेज को शार्प करने का एक और आसान और दूसरा तरीका भी है, जिसमें एक अलग ही फिल्टर का उपयोग होता है जो कि शार्पनिंग फिल्टर सेट में नहीं मिलता। यह फिल्टर है हाई पास फिल्टर। इस फिल्टर को उपयोग करना अक्सर उपयोग में लाए जाने वाले अनशार्प मास्क फिल्टर से भी आसान होता है। अब मैं आपको ऐसी बात बतलाता हूँ जो आपको हैरान कर देगी, वह यह कि शार्पनिंग केवल एक भ्रम है। वास्तविकता यह है कि हम डिजिटल इमेज को शार्प कर ही नहीं सकते हैं। तो आप पूछेंगे कि आखिर ये फिल्टर करते क्या हैं और फिर इमेज शार्प क्यों दिखाई देती है। वास्तव में शार्पनिंग इमेज के किनारों के कंट्रास्ट को बढ़ा देती है। इसके लिए किनारे के लाइट सेट को यह ज़्यादा लाइट कर देती है और डार्क साइड को यह ज़्यादा डार्क कर देती है, और हमारा मस्तिष्क इस बढ़े हुए कंट्रास्ट को शार्पनिंग समझ बैठता है। हाई पास शार्पनिंग को दिखाने के लिए मैंने पहले से ही एक इमेज को खोल रखा है, जिसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर फोटोशॉप में लेयर पैनल ना खुला हो तो F7 दबाकर इसे खोल लें। अब कंट्रोल प्लस जे को दबाकर बैकग्राउंड लेयर की डुप्लीकेट कॉपी बना लें। अब इमेज को 100% जूम में देखने के लिए कंट्रोल प्लस 1 को कीबोर्ड में दबा दें। हम इमेज को 100% जूम इसलिए कर रहे हैं कि हम शार्पनिंग इफेक्ट को ठीक से देख सकें। अब फिल्टर मेनू को खोलकर अदर फिल्टर पर क्लिक करें और इसके लिस्ट में से हाई पास फिल्टर को चुन लें। ऐसा करते ही आप देख सकते हैं पूरी इमेज ग्रे रंग की हो गई है। हाई पास फिल्टर का पैनल इस्तेमाल में बहुत ही आसान होता है। इसमें ऊपर एक प्रीव्यू विंडो होता है और नीचे एक रेडियस स्लाइडर। आइए समझें कि हाई पास फिल्टर किस तरह से काम करता है। हाई पास फिल्टर पूरे इमेज को ग्रे कलर से भर देता है। इसके बाद इमेज के एज को ढूंढता है और उसके लाइट साइड को लाइट और डार्क साइड को डार्क बना देता है, और जहां फ्लैट एरिया है वह उन्हें ग्रे ही रहने देता है। रेडियस यह निर्धारित करता है कि एज पर वाइट और डार्क एरिया के कितने पिक्सल विड्थ को हाईलाइट किया जाएगा, क्योंकि शार्पनिंग का यह लक्ष्य रहता है कि केवल इमेज के एजेज के कंट्रास्ट को बढ़ा दिया जाए। इसलिए रेडियस को कम रखने पर ही अच्छा रिजल्ट आता है। इसलिए बेहतर शार्पनिंग इफेक्ट पाने के लिए हम रेडियस को जितना कम रखें उतना अच्छा होता है। एग्जैक्ट रेडियस कितना रखना है वह इमेज के साइज और डिटेल पर निर्भर करता है। आमतौर पर इसे 2 से 5 के बीच में रखा जाता है। इस तस्वीर के लिए मैंने रेडियस को 3 पिक्सल्स रखा है। अब हाई पास फिल्टर का काम हो चुका है, इसलिए ओके दबाकर इसे बंद कर दें। अब हम केवल हाई पास लेयर के ब्लेंड मोड को बदलकर इमेज को शार्प बना सकते हैं। लेयर पैनल के ऊपर ब्लेंड मोड का मेनू होता है, इसे क्लिक करके उसे खोलें और ओवरले ब्लेंड मोड को सेलेक्ट कर लें। आपका इमेज फिर से रंगीन और शार्प हो जाएगा। यह देखने के लिए कि इमेज कितना शार्प हुआ है, हाई पास लेयर के आई आइकॉन पर क्लिक करके ओरिजिनल और शार्पेंड इमेज को देखकर आप उनकी तुलना आसानी से कर सकते हैं। आप दूसरे ब्लेंड मोड्स को भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, लीनियर लाइट। ओवरले ब्लेंड मोड का तो आपने अभी उपयोग कर ही लिया है। ज़्यादातर सॉफ्ट लाइट और ओवरले ब्लेंड मोड्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको शार्पनिंग कम लगती हो तो आप हार्ड लाइट या लीनियर लाइट ब्लेंड मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीनियर लाइट सबसे ज़्यादा इफेक्ट देता है। मैं यहाँ आपको सबका इफेक्ट दिखला रहा हूँ जो कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। ब्लेंडिंग मोड के बगल में ओपेसिटी का स्लाइडर रहता है। ब्लेंड मोड्स के अलावा आप शार्पनिंग को हाई पास लेयर की ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
किसी भी फोटोग्राफ को हम पूरा शार्ट नहीं करना चाहते हैं। हम किसी भी पोर्ट्रेट में आंख, भौन, ओठ, नाक को तो शार्प करना चाहते हैं, पर उसके फेस की त्वचा को शार्प नहीं करना चाहते हैं, जिससे कि वो सॉफ्ट और अच्छी लगे। इसके लिए हम लेयर मास्क का उपयोग करते हैं। लेयर पैनल के नीचे क्रिएट लेयर मास्क आइकॉन पर क्लिक कर हाई पास लेयर के बगल में मास्क बना लें, जैसा कि स्क्रीन पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। टूल बार से ब्रश टूल को ले लें, एक सॉफ्ट ब्रश को चुनें और उसके हार्डनेस और साइज को अपनी आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर लें। अब फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर को रीसेट करने के लिए डी बटन दबाएं और फिर एक्स बटन दबाकर फोरग्राउंड कलर को ब्लैक कर लें। अब ब्लैक कलर से फेस के उन एरियाज पर पेंट करें जहां आप चाहते हैं कि शार्पनिंग का असर ना पड़े। यहां हम फेस के स्किन पर ब्लैक से पेंट करके उसे सॉफ्ट रहने देंगे और आंख, नाक, भौं आदि को शार्प रहने देंगे, जैसा कि मैं यहां कर रहा हूं। इसे ही सेलेक्टिव शार्पनिंग के नाम से जाना जाता है। आप धीरे धीरे इस काम को करेंगे, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इस काम को करके आपको दिखा रहा हूँ। देखा आपने हाई पास फिल्टर इस्तेमाल में कितना आसान है और हम इसे सेलेक्टिवली भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप अपने किसी पोर्ट्रेट पर इसका इस्तेमाल करके देखें। अगले ट्यूटोरियल में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आशा है ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकॉन को दबा दें। इस अंक में इतना ही। अब नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुड बाय फॉर नाउ।